अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री ओपन योर मैथ्स काउंट आउन ओके आफ्टर दैट ओपन पेज नंबर वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक व्हिच इज़ अबाउट मल्टीप्लिकेशन ओके ओके लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट राइट डाउन क्लास वर्क आफ्टर दैट अप देखिए ज़रा डू यू रिमेंबर यूर टाइम्स टेबल जब तक आपको टेबल्स नहीं आएंगे आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते ठीक है तो इसके लिए आपने क्या करना है अपनी अपनी नोट कॉपीज ओपन करनी है ठीक है कॉपीज़ ओपन करने के बाद वहाँ पे आपने टू से लेकर टेन तक अपने टेबल नोट करने हैं ठीक है टू से लेकर टेन तक टेबल लिखें और उसके बाद ही आपका होमवर्क है टू से लेकर टेन तक टेबल लिखने के बाद आप उसको याद करेंगे ठीक है याद करने के बाद जब आपको वो अच्छे से याद हो जाएंगे रिवाइज़ हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये विदाउट अगर आपको टेबल नहीं आते तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते ठीक है तो ये सारे टेबल्स ही हैं आपके तो पहले सबसे पहले आपने ये करना है कितनी तो अपनी कॉपीज़ ओपन करनी है टू से लेकर टेन तक टेबल लिखने हैं वहाँ पे और फिर उनको याद करना है और उसके बाद आपने ये क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं ठीक है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फोर सेवन ज़ा ठीक है अब आपने क्या करना है इसमें फ़ोर का टेबल आपने सेवन तक पढ़ना है या सेवन का टेबल फोर तक पढ़ना है इट्स अप टू यू कि आप फोर का टेबल सेवन तक पढ़ लो या सेवन का टेबल फोर तक पढ़ लो और जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है अब फोर सेवन ज़ा आपने बताना है क्या है फोर वन ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व फोर फोर जा सिक्सटीन फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी फोर सिक्स ज़ा ट्वेंटी फोर और फा फोर सेवन ज़ा ट्वेंटी एट तो आपका क्या आ जाएगा फोर सेवन जो ट्वेंटी एट तो आप इस बॉक्स में क्या लिखोगे ट्वेंटी एट क्लियर हो गया नेक्स्ट देखिए जरा आप थ्री नाइन ज़ा तो आपने थ्री का टेबल नाइन तक या नाइन का टेबल थ्री तक पढ़ना है आप अगर थ्री का टेबल नाइन तक पढ़ोगे तो भी वही वैल्यू आएगी और अगर आप नाइन का टेबल थ्री तक पढ़ोगे तो भी आपकी वही वैल्यू आएगी ठीक है आप थ्री का टेबल पढ़ते हैं थ्री वन जी थ्री थ्री टू जो सिक्स थ्री थ्री जी नाइन थ्री फोर जो ट्वेल्थ थ्री फाइव ज़रा फिफ्टीन थ्री सिक्स ज़ा एटीन थ्री सेवन सा ट्वेंटी वन थ्री एट सा ट्वेंटी फोर थ्री एट थ्री नाइन सा ट्वेंटी सेवन और नाइन थ्री जै क्या होता है ट्वेंटी सेवन तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे ट्वेंटी सेवन ठीक है नेक्स्ट देखिए टेन के टेबल आपने सिक्स तक पढ़ना है टेन वन जो टेन टेन टू जो ट्वेंटी टेन थ्री जो थर्टी टेन फोर ज़ा फोर्टी टेन फाइव जै फिफ्टी टेन सिक्स जर सिक्सटी तो टेन सिक्स ज़ा क्या आ जाएगा आपके पास सिक्सटी क्लियर हो गया नेक्स्ट देखें एट का टेबल आपने फाइव तक पढ़ना है एट वन जा एट एट टू सिक्सटीन एट थ्री ट्वेंटी फोर एट फोर फाइव फोर थर्टी टू एंड एट फाइव जा फोर्टी तो आपके पास क्या आ जाएगा एट फाइव जा फोर्टी नेक्स्ट इसी तरीके से देखें नाइन वन जो नाइन नाइन टू जो एटीन नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन नाइन फोर जो थर्टी सिक्स नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव एंड नाइन सिक्स ज़ा फिफ्टी फोर यहाँ पे आप क्या लिखोगे फिफ्टी फोर नेक्स्ट देखिए नाइन के टेबल आपने नाइन तक पढ़ना है नाइन वन जो नाइन नाइन टू ज़ एटीन नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स नाइन फाइव जो फो फोर्टी फाइव नाइन सिक्स ज़ा फिफ्टी फोर नाइन सिक्स ज़ा फिफ्टी फोर नाइन सेवन ज़ा सिक्सटी थ्री नाइन सेवन नाइन एट ज़ा सेवेंटी टू एंड नाइन नाइन ज़ा एटी वन तो आपके पास क्या जाएगा यहाँ पे एटी वन ठीक है अब नाइन टेबल जीरो से अब मल्टीप्लिकेशन में आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब आप किसी भी चीज को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका क्या आ जाएगा प्रोडक्ट आपका क्या आ जाएगा जीरो ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने नाइन को मल्टीप्लाई किया जीरो से नाइन को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जीरो ठीक है अगर आप इसमें जीरो प्लस करते तो, तो आपके पास क्या आंसर आता फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस है तो आपके पास क्या आता आप नाइन ही लिखते माइनस होता तो भी नाइन ही लिखते लेकिन जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो आपने क्या करना होता है मल्टीप्लाई में आपके पास जीरो को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करोगे वन थाउजेंड के साथ वन लैख के साथ आपकी कोई बड़ी से बड़ी वैल्यू भी होगी अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे जीरो के साथ तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जीरो ही आएगा ठीक है तो जीरो के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका जीरो ही आता है नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर एच फोर का टेबल एट तक पढ़ना है आपने तो फोर एट जाट फोर जो आपके अप टू यू है आप फोर का टेबल एट तक पढ़ो या एट फोर जा पढ़ो ठीक तो है तो एट फोर जाएगा आपके पास ठीक है नेक्स्ट देखिए अब जीरो मल्टीप्लाई सेवन आ गया अब जीरो के साथ सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास जीरो तो जीरो जिस भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास जीरो ही आता है नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखें जरा आपका अब ये आपके पास वंस है और ये आपका टेंथ है ठीक है इसमें टू वैल्यूज़ के साथ भी आपका आंसर आ सकता है सिक्स फाइव जिक्स फाइव जा या फाइव सिक्स क्या आ जाएगा आपके पास फाइव वन जा फ़ाइव फाइव टू जा सिक्स टेन फाइव थ्री जो फिफ्टीन फाइव फोर ज ट्वेंटी फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव एंड फाइव सिक्स जॉ थर्टी थर्टी है ना थर्टी का ये जीरो आप यहाँ पे लिखोगे ठीक है वंस के नीचे और थ्री आप यहाँ पे लिखोगे टेंस के नीचे ठीक है थर्टी आ गया अब ये आपके पास क्या है टेन एट जा टेन क्या आ जाएगा एट आप इसको देखो एट को पहले सिर्फ अगर एक वैल्यू के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो एट को सिर्फ जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो एट को जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका जीरो के साथ जिस भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो जीरो वन के साथ मल्टीप्लाई कर दो एट वन झा एट आंसर क्या आ जाएगा एटी यानी कि टेन एट एटी ठीक है नेक्स्ट देखिए क्या होता है आपका फोर्टी नाइन क्लियर हो गया अब फाइव नाइनजा फाइव का टेबल नाइन तक आपने पढ़ना है या नाइन का टेबल फाइव तक पढ़ लें तो आपके पास क्या आ जाएगा फोर्टी फाइव ठीक है ये जब तक आपको टेबल नहीं आएंगे तब तक आपको ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसलिए टेबल आपने वैसे तो प्रीवियस क्लासेस में आपने टेबल्स अच्छे से याद किए हुए हैं बस आपने एक दफ़ा रिवाइज़ करने हैं उसके बाद ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा वैकेशन हैं इसलिए आप लोगों को होमवर्क टास्क दिया है ताकि आप लोग टेबल्स जो हैं वो कॉपीज़ पर लिखें उसके बाद उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करें ठीक है ना एंड देखें क्वेश्चन सिक्स सेवन सिक्स सेवन जै क्या आ जाता है, Six, है आपके पास फोर्टी टू क्लियर हो गया अब जीरो है यहाँ पे फाइव है जीरो को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वन के साथ यानी कि फाइव टेन फाइव ज कितना हो जाएगा आपके पास टेन फाइव ज फिफ्टी टेन फाइव जो फिफ्टी ये इस तरीके से भी पता चल रहा है आपको और इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जीरो को फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा आपके पास जीरो और फिर ये वाला वन बच गया इस वन को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव वन तो ऐसे भी कर सकते हैं आप सेवन एट से आ गया आपके पास सेवन एट से क्या होता है फिफ्टी सिक्स नेक्स्ट देखिए फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव 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 क्या आता है आपके पास ट्वेंटी फाइव क्लियर हो गया

ये सिक्स मिसिंग था ना इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे सिक्स तो सिक्स थ्री कि दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा इक्वल के निशान के निशान जो इस साइड वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू आपकी ठीक है ये वाली वैल्यू और जो आपकी ये वाली वैल्यू है इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए बिल्कुल सेम आना चाहिए इक्वल आना चाहिए ठीक है और आंसर आपने वो यहाँ पे लिखना है क्लियर है अब नेक्स्ट देखें बी क्वेश्चन जो है आपका टेन मल्टीप्लाई नाइन तो टेन मल्टीप्लाई नाइन क्या आ जाएगा आपके पास नाइन्टी अब यहाँ पे टेन तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है ये वाला टेन तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा नंबर मिसिंग है नाइन मिसिंग है ना यहाँ पे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे नाइन ठीक है ये मिसिंग नंबर में नाइन लिखोगे अब टेन नाइन से कितना हो जाएगा नाइन्टी और नाइन टेन से कितना हो जाएगा नाइन्टी दोनों का आंसर क्या आया सेम आया ना तो आप यहाँ पे नाइन्टी आंसर लिख दोगे ठीक है अब नेक्स्ट देखो जरा सेवन मल्टीप्लाई नाइन अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखो नाइन लिखा हुआ है लेकिन एक वैल्यू नहीं लिखी हुई कौन सी नहीं लिखी हुई ये वाला नाइन तो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है सेवन नहीं लिखा हुआ ना तो आपने ये वाला सेवन यहाँ पे लिखना है अब आपने बताना है नाइन सेवन सा कितना होता है या नाइन सेवन नाइन जाइन सेवन सा दोनों के आंसर जो है वो सेम ही आएगा तो क्या है आंसर नाइन सेवन मल्टीप्लाय नाइन यस सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री लिखेंगे आप यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट देखें जरा डी क्वेश्चन आपके पास सिक्स मल्टीप्लाई सेवन अब सेवन यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन में या सेवन सिक्स टेबल पढ़े सिक्स का टेबल सेवन तक पढ़ लें या सेवन का टेबल सिक्स तक पढ़ लें आंसर दोनों का सेम ही आएगा सेवन सिक्स जा या सिक्स सेवन जा क्या आ जाएगा फोर्टी टू ठीक है फोर्टी टू नेक्स्ट देखें ज़रा अब फाइव है यहाँ पे फाइव मल्टीप्लाई नाइन अब नाइन तो लिखा हुआ है यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है यस फाइव मिसिंग है ना यहाँ पे आपका आपने यहाँ क्या लिखना है फाइव अब फाइव नाइन से कितना होता है फोर्टी फाइव और नाइन फाइव से कितना होता है फोर्टी फाइव ठीक है दोनों सूरत में आपके पास क्या आ रहा है फोर्टी फाइव आ रहा है ना तो आपने यहाँ पे फोर्टी फाइव लिखना है क्लियर है नेक्स्ट देखें जरा नाइन मल्टीप्लाई एट एंड यहाँ से आपके पास क्या मिसिंग है नाइन तो लिखा हुआ है यहाँ पे एट मिसिंग है ना तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे एट अब एट नाइन ज़्याप आपके पास क्या आएगा ये नाइन एट जा है और यहाँ पे एट नाइन तो क्या आएगा आपके पास सेवेंटी टू दोनों का आंसर सेम आएगा ठीक है आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं या इसको करते हैं आंसर दोनों का सेम ही आएगा अब नेक्स्ट देखिए एट मल्टीप्लाई सिक्स यहाँ पे सिक्स मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा क्या मिसिंग है यहाँ से एट मिसिंग है ना यहाँ पर सिक्स तो लिखा हुआ है ये वाला ये वाला एट मिसिंग है आप यहाँ पे एट ये वाला लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एट मल्टीप्लाई सिक्स अब एट सिक्स कितना होता है या सिक्स एट कितना होता है एट सिक्स फोर्टी एट और सिक्स एट जा फोर्टी एट तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फोर्टी एट क्लियर है अब नेक्स्ट देखें जरा लास्ट क्वेश्चन आपका एच क्वेश्चन सिक्स मल्टीप्लाई नाइन ठीक है अब आपके पास ये वाला सिक्स तो लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाला नाइन मिसिंग है ना आपका ये वाला तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे नाइन अब सिक्स नाइन सा कितना होता है या नाइन सिक्स तो कितना होता है आपका फिफ्टी फोर यहाँ पे क्या आएगा फिफ्टी फोर सिक्स नाइन सा फिफ्टी फोर और नाइन सिक्स से भी फिफ्टी फोर होता है ठीक है तो यहाँ पे आपने मिसिंग नंबर्स लिखने हैं और फिर इन दोनों प्रोडक्ट के जो आंसर आंसर हैं वो सेम ही आएगा दोनों का क्लियर है अब नीचे देखें जरा इन्होंने लिखा है इन मैथमेटिक्स द टर्म प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स फॉर एग्जाम्पल एट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू एंड फोर यानी कि टू और फोर का प्रोडक्ट क्या होगा फोर टू सा कितना होता है एट ठीक है तो ये इसका क्या है प्रोडक्ट है रिमेंबर थर्टी सिक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर थ्री एंड थ्री यानी कि फोर थ्री एंड थ्री फोर सा कितना है आपके पास क्या हो जाता है ट्वेल्व और ट्वेल्व सा थर्टी सिक्स तो ये आपका क्या है किसका प्रोडक्ट है थर्टी सिक्स का प्रोडक्ट ऑफ सेवन एंड फोर इज रिटर्न एज सेवन और फोर uh, का प्रोडक्ट आप कैसे लिखेंगे सेवन मल्टीप्लाई फोर लिखेंगे ना एंड इज़ इक्वल टू और ये इक्वल किसके होगा सेवन फोर से कितना होता है आपके पास ट्वेंटी एट सेवन फोर जी ट्वेंटी एट तो इस तरीके से ये आपका मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट होता है क्लियर हो गया पेज नंबर सिक्सटी आपका कंप्लीट हो गया है पेज नंबर सिक्सटी वन और उससे आगे के जो ऑनवर्ड पेजेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी अल्लाह हाफिज़